देहरादून से 38 किलोमीटर दूर है मसूरी। अपनी हरी भरी पहाड़ियों और विविध वनस्पति और जीवों के साथ एक आकर्षक हिल स्टेशन है। मसूरी की खोज 1827 में मिलिट्री ऑफिसर कैप्टन योंग ने की थी। मसूरी को क्वीन ऑफ हिल स्टेशन भी कहा जाता है। ये जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, अच्छे सामाजिक जीवन और मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध है। गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ पर्यटकों का तांता लगा रहता है। मसूरी में आपको रहने के लिए अच्छे होटल, खाने के लिए अच्छा रेस्टोरेंट और शॉपिंग के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें मिल जाएंगी। गाइस, हम जा रहे हैं कैंपटी फॉल और हम तीनों को इतनी ज्यादा भूख लग गई है कि रास्ते में एक भैया की गाड़ी थी जिसमें भैया ने मैगी भी बना रहे, और अभी हम पहले मैगी खाएंगे उसके बाद चलेंगे कैंपटी फॉल। फाइनली हम आ चुके हैं कैंपटी फॉल, यहाँ से उसका रास्ता है और अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ से कितना नीचे। आप नीचे ट्रॉली से भी जा सकते हैं बट हम लोग पैदल जाएंगे, देखते हैं कितनी दूर है। अभी हम नीचे जा रहे हैं सीढ़ियों से, थोड़ा देखते हैं कैसा व्यू आता है यहाँ से पैदल जाते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग यहाँ के ट्रेंडिंग ड्रेस पहन के फोटोज खिंचवा रहे थे। नीचे जाते टाइम सीढ़ियाँ हैं सारी की सारी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। गाइस, हमें जाना है नीचे और आप यहाँ से रोप वे से भी जा सकते हैं। पर पर्सन 150 रुपीज़ है बट हम लोग जाएंगे सीढ़ियों से। नीचे को जाने वाले रास्ते में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे छोटे छोटे मार्केट्स हैं, आप बहुत सारे गिफ्ट खरीद सकते हैं, चश्मे, कैप, मास्क, हैंड ग्लव्स, बहुत सारे। देखिए नेम प्लेट्स भी बन रहे हैं यहाँ पे। फाइनली हम नीचे आ गए हैं और झील बस पहुंचने वाले हैं। मसूरी की कोई भी यात्रा कैंपटी फॉल को देखे बिना पूरी नहीं होती। ये जगह 1830 के समय में कैंपिंग और चाय पार्टीज की मेजबानी के लिए एक ब्रिटिश अधिकारी द्वारा खोजी गई थी और तब से ये मसूरी में विशेष रूप से पिकनिक के लिए एक लोकप्रिय आकर्षण बन गया है। गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं कैंपटी फॉल। ये देखिए मेरे पीछे कितना सुंदर लग रहा है कैंपटी फॉल। पानी का फ्लो इतना तेज है कि हमारे मुंह तक छींटे आ रहे हैं और बहुत ठंडा मौसम है और अभी सर्दियाँ इसलिए कोई नहा नहीं रहा है, बट जब गर्मियाँ होती तो लोग यहाँ पे फुल एंजॉय करके नहाते हैं। देखिए यहाँ का व्यू, और अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारे लोग ऊपर तक चढ़े हुए हैं। ये बहुत अच्छी जगह है मसूरी में घूमने लायक, कभी मसूरी आए तो कैंपटी फॉल ज़रूर आए। कैंपटी फॉल से थोड़ा सा आगे जाके हम आ गए हैं माउंट व्यू लेक के पास। मैन मेड लेक बनाया गया है जहाँ पे आप आराम से बोटिंग कर सकते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं।
बाद अब हम जा रहे हैं हाथी पांव और रास्ते में ओले गिरने लग गए। देखिए ये हमारी गाड़ी के ऊपर, ये है मसूरी का मौसम, कभी भी कभी धूप कभी बारिश कभी ओले। अगर हो सके तो आज रात को स्नोफॉल हो जाए तो और भी मज़ा आ जाएगा, हम स्नोफॉल का एंजॉय भी कर लेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया है, उस साइड देखिए पूरा खतरनाक। और ये स्नो, ये गिर रहे हैं ओले और इनसे चोट भी लग रही है थोड़ी थोड़ी, ये देखिए गाड़ी के ऊपर। हमारी गाड़ी की हालत देखिए कैसी हो गई है, कीचड़ में सन के। गाइस हम जा रहे थे हाथी पांव, बट वो मेरे पीछे देखिए ये वाला रास्ता बंद है, यहाँ काम चल रहा है, और इसीलिए अब हम यहीं नीचे एक जगह है उसे कहते हैं कंपनी गार्डन, हम वहाँ जा रहे हैं। तो कंपनी गार्डन देखते हैं कैसी जगह है, और बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गया है अभी, ओले पड़े थे इसकी वजह से। तो चलते हैं कंपनी गार्डन, यहाँ से इसकी एंट्री है। गाइस ये है यहाँ की टिकट, और अभी हमारे 5 रुपए बैलेंस भी लेने वाले। बारिश हो रही है इसी वजह छाता खरीदना पड़ रहा है, तो मैं गाड़ी में पड़ा है। मैंने अभी भी छाता खरीदा है, देखिए बारिश हो रही है और पीछे ओले गिर रहे हैं। और हम तो जाने वाले थे इस गार्डन में, बट अभी थोड़ा रुक के जाएंगे क्योंकि बारिश बहुत तेज है। वाह देखिए कितने सारे ओले पड़े नीचे, मॉल रोड से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी में कंपनी गार्डन आपके परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए एक आदर्श स्थान है। इस जगह का रख रखाव गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। ये देखिए ये है बर्फ और ये स्नो नहीं है, ये लो आगे वापस। और ये पूरी गाड़ी में जम चुका है, मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, आगे कुछ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, इसीलिए अभी थोड़ा आराम आराम से जा रहे हैं। देखिए आप पूरी सड़क ऐसा लग रहा है वाइट हो गई है। हम पहुंच चुके हैं जॉर्जिया एवरेस्ट, और पहले गाड़ी लगाते हैं फिर घूमते हैं यहाँ पर। पर आज मौसम ने बहुत परेशान करा हुआ है, हर जगह फॉग हर जगह बारिश। हम आए हैं जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, वो देखिए मेरे पीछे वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, वो है जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। बट हमारी किस्मत बहुत ख़राब है, बारिश हो गई है बहुत तेज़, और बादलों की आवाज़ इतनी तेज़ आ रही है कि ऊपर जाने में डर लग रहा है। तो अभी ये रास्ता जाता है ऊपर, वो सामने ऊपर है, 1.5-2 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता है, और वहाँ से पूरे मसूरी का व्यू आता है बहुत खूबसूरत। पर हमारी मजबूरी है, हम अभी ऊपर नहीं जा रहे, अगर मौसम थोड़ा साफ हुआ। ये देखिए बादलों की गड़गड़ाहट, डेंजर आवाज़ आ रही है। तो अभी टाइम पास करने के लिए यहाँ भैया की दुकान से आलू के पराठे खा रहे हैं।
हमने आलू के पराठे ऑर्डर किए हैं, आलू के पराठे खाते हैं और उसके बाद थोड़ा वेट करते हैं। अगर मौसम साफ हुआ तो हम ऊपर जाएंगे, वरना देखते हैं आज रात यहीं रुकेंगे और कल जाएंगे। हमारे आलू के पराठे ऑर्डर किए थे और आ चुके हैं। ये हमारे आलू के पराठे ऊपर जाने का प्लान कैंसिल क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। देखिए गाड़ी के ऊपर कितनी, मतलब कितने ओले गिर चुके हैं ये देखिए, और हमारे सामने वाली गाड़ी का भी यही हाल है। तो अब हम ऊपर नहीं जा रहे, पूरे प्लान का पोपट हो गया है। अब बैठते हैं गाड़ी में और उसके बाद चलते हैं। ये देखिए ये है गाड़ी की हालत पूरी, ये देखिए कितना मस्त सीन था। गाइस अभी हम आए हैं मार्केट में और यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम है और इसीलिए मैं ले रहा हूँ फिश और आज हम खाएंगे फिश। देखिए कैसी है, दिखाता हूँ आपको। गाइज वापस आ चुके हैं अपने होटल, क्योंकि आज मौसम ख़राब था तो आज हम सारी जगह नहीं घूम पाए जिसकी वजह से आज का पूरा दिन वेस्ट हो गया। बट हम आज रुके हैं, अब कोशिश करेंगे कल सब कुछ कवर कर लें। अगर कल भी मौसम ख़राब रहा तो फिर तो हमें वापस जाना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम हमें टाइम का बहुत इशू है। सो गाइज अब चलते हैं होटल और आराम करते हैं। आज मौसम साफ है तो चलते हैं जॉर्ज एवरेज की ओर। मसूरी में गांधी चौक से 6 किलोमीटर दूर स्थित सर जॉर्ज एवरेज का घर वर्ष 1832 का है। पार्क स्टेट के नाम से जाने जाने वाला ये स्थान सर जॉर्ज एवरेज के घर, प्रयोगशाला और वेधशाला के रूप में कार्य करता था। सबसे ऊंचे पहाड़ों को नापने से लेकर उत्तर के पहाड़ों के बीच की दूरियां नापने तक सर जॉर्ज एवरेज ने ये सब यहीं से किया। सर जॉर्ज को 1830 में भारत के जनरल ऑफ सर्विंग के रूप में नियुक्त किया गया था। जॉर्ज एवरेज से सभी गढ़वाल की ऊंची चोटियां देखी जा सकती हैं। माउंट एवरेज का नाम भी इन्हीं के नाम से पड़ा और भारत का नक्शा भी सर जॉर्ज एवरेज हाउस में ही तैयार हुआ, इसके कारण ये स्थान लोकप्रिय है। सर जॉर्ज एवरेज की लेबोरेटरी का जो सारा सामान है वो सर्वे ऑफ इंडिया के देहरादून म्यूजियम में रखा गया है।